हेलो फ्रेंड्स, स्कूल लाइफ हर एक व्यक्ति का यादगार पल होता है। अक्सर लोग इसे दोबारा जीने की इच्छा व्यक्त करते हैं और स्कूल लाइफ का पहला प्यार शायद ही कोई भुला पाता है। मैं आपके सामने लेकर आया हूँ 5 ऐसे स्कूल ड्रामास जो आपकी पुरानी यादें फिर से ताजा कर देंगे। पहले नंबर पर लव सो ब्यूटीफुल। ये एक रोमांटिक प्लस फ्रेंडशिप पैक ड्रामा है। ड्रामा की कहानी में जीवन चयन एक मंचरी लड़की है जो कि जीवन चयन को पागलों की तरह पसंद करती है। वहीं जीवन चयन एक मैच्योर स्कूल बॉय है जिसकी जीवन चौधरी के लिए मिक्स फीलिंग होती है। एक कॉम्प्लेक्स रोमांस की बजाय ये ड्रामा खूबसूरत स्कूल लाइफ को भी दर्शाता है। अगर आप एक ट्रायंगल लव स्टोरी और स्वीट स्कूल लाइफ कहानी की खोज में हैं तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप इस ड्रामा को जरूर देखें। दूसरे नंबर पर है माई हकलबरी फ्रेंड्स। आप इस ड्रामा को स्कूल कैटेगरी का मास्टरपीस कह सकते हैं। ड्रामा की कहानी शुरू होती है 10 साल बाद से, जहां सारे दोस्त अपनी पुरानी यादें एक इंटरव्यू के जरिए शेयर करते हैं। पहला एपिसोड कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन में ही निकल जाता है। एक परफेक्ट डायरेक्शन के साथ इस ड्रामा की कहानी भी बहुत अट्रैक्टिव है। जोनजो एक सीनियर स्कूल गर्ल है जो कि अपने माता पिता को एक एक्सीडेंट में खो चुकी होती है और वो उस एक्सीडेंट का जिम्मेदार ली नेंग को मानती है। मीनवाइल ली नेंग एक फनी लड़का है जो जोजो को पसंद करता है। ड्रामा हर एक एपिसोड के साथ इंटरेस्टिंग होते जाता है। जोजो और ली नेंग की कहानी के अलावा बाकी कैरेक्टर्स को भी इस ड्रामा में इम्पोर्टेंट रोल दिया गया है। आपको इस ड्रामा में कई रोमांटिक या फिर स्वीट मूवमेंट देखने को मिल जाएंगे। कहानी में 10 एपिसोड तक ली नेंग जोजो को बनाने में लगा रहता है, जिसके चलते कई और कहानियां भी जुड़ जाती हैं। वे लोग जिन्हें सिंपल स्वीट रोमांटिक प्लस सैड स्टोरीज पसंद है उनके लिए यह ड्रामा परफेक्टली फाइन है। तीसरे नंबर पर व्हेन वी आर यंग 2017। यह ड्रामा कोरियन ड्रामा हू आर यू स्कूल 2015 का रीमेक है। अगर आप कोरियन वर्जन को पहले देख चुके हैं और अगर आपको वो ड्रामा पसंद भी आया है तो मेरी गुजारिश यही रहेगी कि आप इस ड्रामा को भी जरूर देखें। वे लोग जो कोरियन वर्जन से फेमिलियर नहीं हैं उनके लिए ड्रामा इंटरेस्टिंग पीस हो सकता है। ड्रामा में फ्रेंडशिप रोमांस प्लस सस्पेंस कूट कूट के भरा पड़ा है और साथ में ही आपको इसमें एक इंटेंस ट्रायंगल लव स्टोरी देखने को मिल जाएगी। यह ड्रामा दो जुड़वा बहनों की कहानी है। उम्र में 2 मिनट छोटी बहन स्कूल बुलिंग के चलते सुसाइड अटेम्प्ट करती है, लेकिन बड़ी बहन उसे बचा लेती है। इसी दौरान छोटी बहन अपनी यादाश्त भूल जाती है और अपनी दूसरी बहन की जगह स्कूल में पहने जाने लगती है। चौथे नंबर पर व्हेन वी आर यंग 2018। यह ड्रामा 1996 टाइम पीरियड के स्कूल स्टोरी का है। समर हॉलीडेज में यंग जी एक साइकिल चोर को पकड़ते घायल हो जाती है, जिसके चलते वो लॉन्ग डिस्टेंस रेंस दौड़ने में असमर्थ हो जाती है। स्कूल के खुलते ही उसे पता लगता है कि उसके एक्सीडेंट का जिम्मेदार लड़का उसी की क्लास में है और उसके प्रेसिडेंट पोजीशन भी ले चुका है। हुआ बाओ साइंस स्कॉलर के साथ साथ एक हॉट ब्लडेड लड़का होता है। ली यू यंग जी के बचपन का दोस्त होता है जिसे शुरुआती दौर में हुआ बाओ से जलन होती है, लेकिन आगे चल के वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ये स्टोरी कॉमेडी प्लस रोमांस थीम है। कई सीन्स वास्तव में आपको पेट पकड़ के हंसने पे मजबूर कर देंगे। टाइम पास और कॉमेडी के लिए आप सबको ये ड्रामा जरूर देखना चाहिए। पांचवें नंबर पे ऑल अबाउट सीक्रेट्स। माई हकलबरी फ्रेंड्स को देख चुके फैंस अक्सर ऐसे ही किसी और ड्रामा की खोज में होते हैं। उनके लिए ड्रामा एब्सोल्यूट चॉइस है। इस ड्रामा में डुआ बाई वेन की कहानी है जो कि एक पॉपुलर बास्केटबॉल प्लेयर है। अच्छे स्कूल लाइफ के बजाय उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं अपने फादर्स और स्टेप मॉम के चलते। जियान ली को डुआ बाई और यूजू की क्लोज रिलेशनशिप से जलन होती है जो कई कोशिशों के बाद भी उन्हें अलग नहीं कर पाती। ड्रामा की कहानी एक टिपिकल फैमिली ड्रामा पर बेस्ड है जो कि स्कूल लाइफ का ही पार्ट है।